नमस्कार, आज हम आपको दिखाएंगे हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत से विशेष कवरेज। उच्च माध्यमिक विद्यालय सिधौली से, जहां ये ग्रामीण पहुंचे हैं शिक्षकों और शिक्षिकाओं का कंप्लेन करने प्रधानाध्यापक के पास। इनका एक कंप्लेन था कि 16 शिक्षक रजिस्टर पे हैं और 9 यहां पर हाजिरी लगता है। उसके बाद इनका ये कंप्लेन था कि चावल 2 महीने से नहीं दिया गया है। इसके बाद इन्होंने ये कंप्लेन किया कि बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन लेकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंचे, उनके चैम्बर में वो सभी लोग बातें कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कंप्लेन उन्होंने हमसे इंटरव्यू में भी बताया है। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आपको बता दें कि जो भी उन्होंने बात किया है परिवार के लोगों ने, ग्रामीणों ने, और खासकर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने, उनसे हमने इंटरव्यू लिया है। और आखिरकार उनका पक्ष, प्रधानाध्यापक का पक्ष, बच्चों से भी पूछा है कि आखिरकार पढ़ाई होता है कि नहीं, यहाँ पर उनको चावल मिला है कि नहीं। बच्चों को ने भी बताया कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है, एक ही टीचर हैं जो ठीक से पढ़ाते हैं या 2-4 बार क्लास लेते हैं। देखिए इन सभी बातों पर ग्रामीणों का क्या कहना है, सब्सक्राइब शेयर करिए। हमारे स्कूल से, जो स्कूल में हम खड़े हैं, इस स्कूल से सिर्फ 50 मीटर के दूरी पर ही इसे ब्लॉक के विधायक का घर है, और जिस गांव का विधायक हो उस गांव के स्कूल का ये व्यवस्था हो, ये बहुत शर्मनाक है। विधायक कभी घूम के स्कूल में नहीं आएगा। विधायक तो विधायक, हमारे ग्रामीण का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम जाके स्कूल में चेक करें, अपने बच्चों से पूछें तुम्हारा क्या पढ़ाई। हमारा बच्चा लगभग यहाँ 1 साल से पढ़ रहा है, लेकिन जब भी कोई सवाल करते हैं तो पढ़ाई तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ वहाँ जा करके अटेंडेंस बनता है और कुछ नहीं होता है। मैडम आती है, बैठ करके सब बैठा लेती है, चली जाती है स्कूल में। क्लास में, क्लास रूम में ना फैन है, ना छोटे क्लास का। हमारा एक बच्चा 5 में है, एक बच्चा 7 में। 5 क्लास में कोई फैन नहीं है, बच्चा बोरा बिछा के जमीन में बैठता है, और ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा एक दूसरे से टच होकर। सरकारी स्कूल से आपने सपना क्या देखा है बच्चों का? सर इसी स्कूल में हम लोग भी पढ़े हैं पहले, हम लोग की पढ़ाई और आजकल के बच्चों की पढ़ाई, हम लोग के टाइम में भी होता था पढ़ाई और आज के टाइम में बहुत अंतर है। जबकि आज कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग के टाइम तो बोरा भी नहीं मिलता था, हम लोग ज़मीन में बैठ कर पढ़ते थे इसी स्कूल में। आज जो है यहाँ टेबल भी है, बड़े बच्चों के लिए टेबल भी है, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में। क्या नाम आपका? मेरा नाम बद्रे आलम। गाँव सिधौली। वार्ड 3। कितने क्लास में पढ़ते हो बाबू? 7 में। 7 में? सोमवार से बृहस्पतिवार तक आए हो 4 दिन? ये छुट्टी भी किए थे? एक दिन किए थे। किस दिन? जिस दिन डॉक्टर किए गए। कौन सा दिन था वो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन था? शनिचर था, पिछले सप्ताह में। हाँ। तो छुट्टी लेते वक्त एप्लीकेशन दिए थे सर को? नहीं नहीं दिए थे, अपने मन से छुट्टी ले लिए। ये पता है ना कि छुट्टी लेना है तो सर से पूछना है। तो ये बताओ कि इस सप्ताह में पढ़ाई हुआ है अच्छे से? ये राइटिंग हुआ है। हाँ। वर्ड मीनिंग लिखाई हुआ है। हाँ। और रीडिंग पढ़ाया गया और ये मैथ में ये सब हुआ है। कौन पढ़ाया है सर? सर एक सर लिखाए थे, अंजलि सर, ये राइटिंग लिखवाए थे, राइटिंग चेक करवाए थे, और ये रीडिंग करवाए थे, और एक दिन करवाए थे। एक क्लास का लड़का है ना ये राजा, वो ये मैथ पे लिखा है, बोर्ड पे लिखाया था मैथ। अभी तक क्या क्या पढ़ाई हुआ आज के दिन में? क्या पढ़ाई हुआ आज? हुआ है मैथ, हुआ है इंग्लिश, हुआ है हिंदी, हुआ है और आज पढ़ाई हुआ है। अच्छा, कौन सा पढ़ाए हैं? कौन सा सर? नहीं, लड़का सब पढ़ाया, सर नहीं आए थे। लड़का सब पढ़ाया है? हाँ। कौन लड़का सब? मेरे क्लास का एक लड़का है ना, वही पढ़ाया था। वो आपके साथ ही पढ़ता है? हाँ, वही पढ़ाया है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? साहिब आलम। पापा क्या करते हैं आपके? इलेक्ट्रिक मैन है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? सिधौली। ये स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय। स्कूल का नाम पता नहीं है? जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम पता नहीं है? पता नहीं है स्कूल का नाम? क्या थोड़ा याद है? मध्य विद्यालय। पापा का नाम क्या बताया? बद्रे आलम। आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार। स्कूल कौन सा है ये? उच्च माध्यमिक विद्यालय सिधौली। उच्च माध्यमिक विद्यालय सिधौली स्कूल। आज बृहस्पतिवार है? हाँ। अच्छा, सोमवार से बृहस्पतिवार तक में स्कूल खुला हुआ था? हाँ। आप आए थे? हाँ। कितने क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में कितने शिक्षक आपको पढ़ाए?
पूरे दिन में सोमवार से बृहस्पतिवार तक सिर्फ विभा मैम आते हैं मेरी क्लास में बस, और पूरे मतलब सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक ही टीचर पढ़ाए? हाँ। क्या पढ़ाए वो? विज्ञान पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं बस। हाँ। उसके अलावा और कुछ नहीं? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ कौन पढ़ाते हैं? विभा मैम ही सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब कुछ वही पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद टिफिन उधर चलते हैं, फिर स्कूल टिफिन बॉक्स भी पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन लिखवाते हैं, वर्ड मीनिंग लिखवाते हैं, वर्ड मूल सब सुनते हैं। कौन सुनते हैं वर्ड मीनिंग? वर्ड मीनिंग मैम ही सुनते हैं। सब कुछ वही करते हैं? विभा मैम। मैडम कितना घंटा पढ़ाते हैं आप लोगों को? पूरा घंटे विभा मैम। पूरा घंटा मतलब 8 घंटा पढ़ाती है कि 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद चली जाती है क्या है? नहीं, पूरा घंटा मैम ही पढ़ाती है। देखो क्लास जो चलता है ना, तो 1 घंटे का क्लास होता होगा, 2 घंटे का होता होगा, 2 घंटा पढ़ा के मैडम चली जाती है, उसके बाद क्या करते हो तुम लोग? टिफिन खेलते हो। अच्छा, क्या नाम है? कंचन कुमार। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनका नाम क्या है? अमित सर। इस साल में जो है बगैर मीटिंग को और मीटिंग वीटिंग करते नहीं है सचिव जो है सो अपने आप जो है हेडमास्टर जो है सो बदल देते हैं। अभी बताए क्या इस सचिव से गए 4 लाख पर साइन कराने, तो सचिव का जो है पहला सचिव जो था आज से 4 साल 5 साल, तो उनका देह पूरा थरथराने लगा कि हमको आप इसको देना है पेपर, चेक पर साइन करवाने गया तो बोला हम नहीं साइन करेंगे, पहला सचिव। उसके बाद दूसरा सचिव के पास गया, वो बोला वो भी कि हम भी नहीं करेंगे। फिर तीसरा अपने मन से वो सचिव बना लिया चेक पर साइन करके, आप क्या किए सो उनसे पूछा। आप लोगों का आरोप क्या था? आप स्कूल में आप लोग आए हैं, गार्जियन हैं, आप लोगों का आरोप क्या था? आरोप था कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा ढंग से, बच्चा पर कोई गाइडेंस नहीं है, जब हेडमास्टर को कहा जाता है तो पर टीचर नहीं है। और बताइए और क्या आरोप लेकर आए हैं? और प्रॉब्लम है कि चावल जो है सो सड़ रहा है, लेकिन चावल के लिए बोल रहा है कि हमारा स्टॉक में से चावले नहीं है। कुछ बच्चा को मतलब कि पहला क्लास में 10 गो बच्चा को दे दिए, हो गया चावल रखा गया, दूसरा में फिर 15 गो के दे दिए, हो गया चावल अपना समाप्त हो गया, फिर तीसरा में इसी तरह पैसा स्टाफन का जो है उसी तरह जो है तो दिया गया। कुछ 283 बोरा चावल अभी हाँ 283 बोरा अभी भी चावल हम लोग गिनती किए हैं जो सर रहा है। और इनको पूछा गया कि भाई पहला स्टॉक क्या है और अभी क्या गिरा है, तो अभी गिरा है 36 क्विंटल अभी गिरा है। पिछले महीने आपके बच्चे को मिला है चावल? नहीं, कुछ नहीं। कितना एक बच्चे पर कितना चावल मिलता है? एक बच्चे पर 5 किलो या 4 किलो देते हैं, 100 ग्राम के एवरेज से। अभी ये बोला है 100 ग्राम के, अभी हमको बोला है। और इस महीने भी नहीं मिला है? नहीं। कितने महीने से आपके बच्चे को चावल नहीं मिला है? एक बार मिला है मार्च के टाइम में, एक बार बस, बस बस मार्च के टाइम बस, उसके बाद आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अच्छा, और शिक्षक के लेट आने को लेकर क्या आरोप लगा रहे थे आप? शिक्षक के लेट के लेके कभी जो है सो और टीचर सब टेम्पो वाली टीचर सब आते हैं 9 बजे 10 बजे है ना, और हेडमास्टर तो अपने डेली जो है सो 12 बजे से पहले कभी नहीं आते। कभी प्लेट कहाँ अभी गए थे वहाँ दे के गए शाम में आएगा, शाम में क्यों आएगा? हमको तो पर डे का यही रवैया, पर डे का यही रवैया था। एक जो दूसरी बात, जो 9th वाले का एडमिशन किए ना, पिछले साल रसीद दिए ना इस बार रसीद दिए, क्या छप रहा है? अभी तक छप रहा है, आपका पास किराया नहीं हम जानते हैं, लेकिन यही कर्ज काट प्रभारी का काम है, प्रभारी हम काट करके दे रहा हूँ। मेरा नाम विनय लालकर, गाँव सिधौली जी। आपका नाम क्या हुआ? मनोज शर्मा, गाँव सिधौली। ग्रामीण यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं स्कूल में, कंप्लेन इनका है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, टीचर है नहीं, चावल मिला नहीं है, बच्चे स्कूल पे मतलब जो शिक्षक हैं वो समय पर नहीं आते हैं, बहुत सारा ऐसा उन्होंने मुद्दा जो बताया है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए सर, सबसे पहले चावल का मुद्दा, सबसे पहले चावल का मुद्दा, चावल जो है तो विभाग द्वारा बोला गया था क्या कि सो जिसका DBTL में नाम नहीं है उसको चावल नहीं देना है, समझे? जिस कारण जो है सो कुछ बच्चा वंचित रह गया। उसके बाद मैंने कल बच्चे लोग को बुलाया कि परसों चावल आया, तो मैंने बच्चे लोग को बुलाया कि ठीक है तुम लोग आओ चावल हम बांट देते हैं। GPTL में जिसका नाम नहीं है जी जी उसको नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। आपके बच्चे का है GPTL में नाम? हाँ, नाम तो होगा, एक बार मिला था चावल। आपका? हमारा मिलता है चावल, लेकिन पर इधर 6-7 महीने से नहीं मिला। नहीं मिला। आपका? एक बार मिला है। आपका? नहीं मिला। चलिए बताइए, हाँ सभी लोगों का नहीं है आपके अनुसार? नहीं, सभी लोगों के हम बता रहे हैं, जिस कारण जो है ना तो हम विभाग से माने विभाग से पूछो किए तो विभाग बोला कि नहीं भाई आप जो है वो जिसका नाम नहीं है उसका देना ही नहीं है, लेकिन पिछले बार से हम गलती कर चुके हैं,
जिसका नहीं था, माने एक बच्चा को हम देंगे दूसरा बच्चा को हम नहीं देंगे, जिस कारण जो है सो माने आक्रोस बढ़ जाता, हमने सबको दे दिया पिछले साल दे दिया। अब जो है सो फिर मेरा मन जो है सो उधर मन में था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन फिर हम सोचे क्या करते, हम सबको दे दिए हैं तो फिर आक्रोश बढ़ जाएगा, इसलिए हम जिसका भी जो पिछले नाम नहीं उसका भी हम जो है सबको बुलाए हुए थे, कल हम दे देते हैं। पिछले महीने का स्टॉक कितना खराब है? जो पिछले महीने का स्टॉक सर हम इसका माइनस करके हम बता देंगे सर, अभी माइनस नहीं किया है। स्टॉक दोनों मतलब पिछले महीने का रखा हुआ है चावल? हाँ जी चावल रखा हुआ है, ग्रामीण को जो है सो हम दिखला दिए हैं, ये मैंने कितना बोरा मेरे पास में चावल है, कितना बच्चा को हम बांटते हैं, तो जो बांटते हैं तो उसका जो है सो हम दिन के उसमें से माइनस करेंगे सर। हम लोग को बोले कि आधा घंटा का मौका दीजिए, हम सामने में कर लेते हैं। शिक्षक लेट क्यों आते हैं सर? शिक्षक लेट कहाँ से आते हैं? ये अब जो परिवार के लोग हैं जो ग्रामीण हैं उनका आरोप तो झूठ नहीं हो सकता है ना, ये यहीं के रहने वाले हैं, इनका बच्चा पढ़ता है, शिक्षक लेट, बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने। 9 बजे जो है स्कूल, सुनिए 9 बजे हम है सर, 9 बजे स्कूल खुला था। नया पुराना चावल मिलेगा? ठीक है सुनिए, जो करना करके रखिए। हाँ बोलिए। 9 बजे जो है सो 9 बजे स्कूल आप आके खुद चेक कर सकते हैं, 9 बजे स्कूल खुल जाती है। कितना स्कूल में अभी शिक्षक हैं आपको? टोटल हम लोग 16 हैं। 16 हैं जी। और 9 क्यों हैं यहाँ पर अभी? जिसमें से 3 जो है सो आपको एक तो वाहन को संघ है जीएम साहब के यहाँ, एक तो टीचर जो है सो एक मधुरिया विद्यालय में है। तीन का नाम बताइए, जो वाहन को संघ में गए हैं उनका नाम क्या है? मुजाहिद है, मुजाहिद इस्लाम। हाँ दूसरा? एक है यास्मी नारा। वो कहाँ पे हैं? वे मधुरिया स्कूल जो है। वो क्या करती हैं? उसमें एकल विद्यालय में हैं टीचर। अच्छा, तो यहाँ का स्कूल मतलब यहाँ का शिक्षक वहाँ ट्रांसफर है, तो यहाँ पर क्यों गिनती हो रहा है? हमारे आने से पहले ही उसे हैं। तो आपने ये चीज़ को मतलब विभाग को हमने 2-3 बार विभाग को भी बोला गया, लेकिन एकल विद्यालय वाले का जो है सो नहीं होता है, विभाग अपना कार्रवाई करता है। यहाँ भी पढ़ाती हैं? नहीं। तो फिर यहाँ भी नाम है वहाँ भी नाम है? नाम नहीं, कि आप पूछे ना कितना टीचर यहाँ है सो हम बता रहे हैं। ये एक तो टीचर सस्पेंड है। अच्छा, बच गया 13। सस्पेंड कौन है, क्या नाम है उनका? एक तो टीचर सस्पेंड है, उनका नाम है रविंद्रनाथ पोदार। अच्छा, उनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया था? विभागीय कार्रवाई कुछ चल रहा था, उसको पता नहीं चल मालूम नहीं। आपको नहीं पता है? आपके समय की बात नहीं है? नहीं, उनको सस्पेंड उसके बाद हमको प्रभार दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रभारी अच्छे। ये जो ग्रामीण आए हैं इनका कैसे समस्या दूर होगा? हम इन लोगों को जो है सो बोले हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ आप हमको राय दीजिए कि ये आप इस टाइप से हमको कीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। अभी मान लीजिए सुबह से ये लोग आके जो है सो हमको मान लीजिए पूरा इनको इससे पहले अगर मान लीजिए। आपको इनसे कोई डर भी है, धमकाए हैं या कुछ ऐसा डर भी है आप लोगों को? सर डर परिवार के लोगों से हम बताने एक मिनट, हम अकेले हैं, अकेले हैं, कितना आदमी है, हम तो भगवान नहीं है, मानसिक तो टेंशन है ना हो सर? नहीं है। क्या डर है? सुबह मन मन दूसरे टाइप का हो रहा है। ये लोग आके हैं इसके लिए? नहीं नहीं, इनका राइट है कि नहीं चेक करने का? नहीं मन दूसरे, आप इनका राइट है कि नहीं चेक करने का? मन दूसरे टाइप मतलब कौन चीज? अभी एक आदमी ये सवाल पूछते हैं तो हम मन ठीक है, इनका राइट है चेक करने का कि नहीं? इनका ये ग्रामीण है, इनका राइट नहीं होगा, ये सब सर पर ही है। आप मान लीजिए इससे अधिक आदमी सब आ गया था, हम बोले क्या कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इसमें से सिंगल एक दो आदमी आइए हमसे पूछ लीजिए, हर एक 2 दिन पर आप हमको भेंट कर लीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चा स्कूल नहीं आया, हमको ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम ये बताएंगे तब ना करेंगे सर। एक दो बच्चा तो है नहीं स्कूल में। आज का हाजिरी बना है इसमें जी? कितना बजे सब आया टीचर बताइए तो? सबका वही 9 बजे का है। सब 9 बजे जी? 12 बजे आइए फिर भी 9 बजे। आप ये आपका कहना था कि 2 बजे आते हैं, बताइए क्यों? ये जो हेडमास्टर साहब हैं हम रोड में ही बैठे दिखाई देते हैं, कभी 1 बजे कभी 2 बजे कभी 12 बजे, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जबकि इनका भी ये बनता है कि जब ये 10 बजे खुद हाजिर होंगे तभी तो ये और टीचर पे गाइडेंस कर सकते हैं, जब ये खुद ही लेट से आएंगे तो स्कूल को देखने वाला कौन है? आपकी नज़र में कितने बजे आते हैं ये? ये 12 बजे 1 बजे इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया, आज भी आए 12 बजे के आसपास, कल भी मिले हैं, ऐसे ही आते हैं 12:30। आपका क्या आरोप है इनके ऊपर? आरोप कुछ नहीं है सर, शिक्षा बच्चों में शिक्षा नहीं मिल पाती है, या टीचर के अभाव से हो या हेडमास्टर की कमी से हो, हम लोग का ध्येय है कि हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए, अच्छा से पढ़ाई हो, बच्चा अच्छा से पढ़े, डिसिप्लिन को बनाए रखे, जब हेडमास्टर साहब खुद ढीले रहेंगे स्कूल का तो सारा व्यवस्था ढीला रहेगा, इसलिए हम लोग को पढ़ाई टाइट चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम सिधौली से। बच्चा पढ़ता है आपका? मेरा एक लड़की है फिलहाल। क्या नाम है आपका? लड़की का नाम काजल कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील साहू। जी बताइए सर, ये बोले हैं कि हम 2 बजे आते हैं, कल हम आया स्कूल आए, स्कूल आए, उसके बाद हमको फोन आ गया कि आपका आपके स्कूल का टीचर का
तो इलेक्शन का चिट्ठी आया हुआ है कल का ना, कल का ना, आज का क्या है, आज का बहाना क्या है? सुनिए, बहाना नहीं, बस ये आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आज का क्या है बताइए? परसों भी जो है सो दो टीचर का फिर आ गया डिक्टेशन का। आज का क्या है? आज का, आज का, आज तो हम समय पर आए हैं, बोल रहे हैं आज भी आए हैं। अरे 12 बजे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या है? हम लोग घूमते हैं, आप यहाँ पर क्या है? हमेशा